योगिता रेसिपीज में मैं योगिता मोहिते आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाते हैं मालवणी वड़े का आटा। पहले भाजनी देखेंगे और उससे आटा कैसे बनाते हैं और क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो में वड़े बनाने के कैसे वड़े बनाते हैं इस आटे से वो बताने वाली हूँ। वो वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ उस ये वीडियो के बाद में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो ट्राई भी कीजिएगा, ट्राई करने के बाद बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसे बने थे। तो चलिए देखते बनाने जा रहे हैं भाजनी के वड़े, मालवणी वड़े आटा। तो उसके लिए भाजनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने पुराने वाले चावल 1 kg लिए, इसे साफ करके रखा है। गेहूँ मैंने 1/2 kg लिए, इसे भी मैंने साफ कर लिया है। और हमें लगेंगे ज्वार, ज्वार 1/2 kg लिए मैंने। देखिए 1/2 kg के हिसाब से ज्वार है। यहाँ पे 150 ग्राम उड़द की दाल है, 100 ग्राम चना दाल है, 1 tablespoon मैंने सौंफ लिए, 1 tablespoon मेथी दाना है, काली मिर्च 10 लिए, और यहाँ पे धनिया लिया है साबुत, वो मैंने 2 tablespoon लिया है। तो 2 kg के हिसाब से हमें भाजनी बनाने, आटा बनाना है, उस हिसाब से मैंने ये सारी सामग्री ली है। तो हम अभी आगे की प्रोसेस करेंगे। दाल हम थोड़े से गीले कपड़े से साफ करके लेंगे, थोड़ा सा पोंछ लेना हमें ऐसे, तो उसकी जो पाउडर रहती है वो हम से निकल जाएगी। तो किचन टॉवल से हम इसे पोंछ रहे हैं, थोड़ा सा कपड़ा गीला करना है हमें। उड़द की दाल चावल इसे ही हमें पोंछ लेना है, बाकी चीज़ें की ज़रूरत नहीं हमें पोंछने की। ऊपर मैंने पैन चढ़ा लिया है, अभी हम उसकी भाजनी तैयार करेंगे। तो गैस मैंने ऑन किया है और गर्म हो चुका है ये पैन। तो अभी हम लोग थोड़े थोड़े सामग्री इसमें भूनते जाएंगे। गेहूँ भी हमें थोड़ा सा भूनना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें सारी चीज़ें भून लेनी है। गेहूँ को थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा लाल वगैरह करना नहीं हमें। थोड़ा सा गर्म हो जाए, ऐसे हाथ में चटका लगे तभी इसे निकाल लेना है। भून गए, अभी मैं सारे गेहूँ 1/2 kg के सारे ऐसे ही भून लूँगी, इसमें निकाल देती हूँ। ये गेहूँ भी मैं ऐसे ही भून लूँगी। मस्त है, लगातार चलाते हुए हमें सारी चीज़ें भूननी है, हमें सारे धान भून लेने हैं मध्यम से धीमे आंच पे। तो ये भी सारे गेहूँ अभी मैंने भून लिए 1/2 kg के, इसे निकाल देंगे। और अभी हम चावल भूनते हैं, चावल थोड़े थोड़े करके इसे भून लूँगी। मीडियम हीट रखनी है हमें, थोड़े से गर्म होने तक हमें इसे हिलाते हुए चलाते हुए भूनना है। पुराने वाले चावल लेने हैं, अभी धूप नहीं है तो मैंने इसे धोया नहीं है, गीले कपड़े की सहायता से मैंने इसे पोंछ लिया है ताकि वो डस्ट रहती है वो निकल जाए। अभी आप धो के रखोगे तो धूप नहीं है, बारिश गिर रही है तो सूखेंगे नहीं, और आटा बहुत देर तक लंबे समय तक रहेगा नहीं, इसीलिए मैंने खाली पोंछ लिए। तो ये आटा अब बना के रखोगे तो 4 से 5 महीने तक अच्छी तरह रहता है, और जब भी चाह हम इससे वड़ा बना सकते हैं, और इससे हम थाली पीट बनाना भी सीखने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी। और बहुत टेस्टी और बराबर परफेक्ट ये मेजरमेंट है, ज़रूर ट्राई करना। एकदम सॉफ्ट फूले हुए वड़े बनते हैं, स्वादिष्ट है इसे। तो इसे भी लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। सारे 1 kg के मैं चावल ऐसे ही भून लूँगी, थोड़ा सा हमें हाथ में गर्म लगे तो हमें निकालना है, इसे ज़्यादा देर तक भी ना, तो थोड़ा सा भी चटका लगने लगा तो हम इसे निकाल देंगे। देखिए अभी चावल पूरी तरह भून चुके हैं, मैंने 1 kg के चावल भून लिए, मुझे 8 से 9 मिनट लगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, मैंने 1 kg चावल भून लिए। अभी हम बाकी की सारी चीज़ें ऐसे ही भून लेते, इसे निकाल देंगे। अब किए हुए ज्वार डालेंगे, हम पूरा डाल देंगे, 1/2 kg है ये। हेल्दी ऐसी डिश है ये, पूरे सारे धान इसमें मिले हुए हैं। अभी सावन का महीना चालू होगा
तो इससे पहले गटार या माओ से आप ये तभी ज़्यादातर महाराष्ट्रीय घरों में बनाया जाता है क्योंकि नॉनवेज बाद में खाते नहीं हम लोग, तो ज़्यादातर घरों में बनाए जाते हैं मटन वड़े, कुमड़ी वड़े, और हमेशा भी ऐसे भी बनाते हैं, पूजा विधि में भी बनाए जाते हैं, सभी के घरों में ये आटा मिलता ही है। भाजने के भूनने के बाद इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और ये ज़्यादा देर तक लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। मैंने एक वड़ा की रेसिपी बताई है, इंस्टेंट वड़ा रेसिपी आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ उसे, तो वो भी बना सकते हो, वो भी एट अ टाइम आप बना सकते हो। तो ये भी ऐसे ही हम भून लेंगे, इसे भी निकाल देंगे, ज़्यादा इसे भूनना नहीं, हो गए ये ना डाल देंगे। 100 ग्राम मैंने लिए, इसे भी मीडियम आँच के ऊपर ही हमें भून लेना है। ठीक है, चना दाल भी भून चुकी है, इसे भी निकाल देंगे हम। अभी हम उड़द की दाल भी इसी तरह भून लेंगे। की दाल भी लिए मैंने 150 ग्राम, उसे भी हम मीडियम हीट के ऊपर ऐसे भून लेंगे लगातार चलाते हुए। इसे भी मैंने 3 से 4 मिनट तक भुना है, इसे भी निकाल देंगे। इसमें डालेंगे धनिया, भुन गया है, इसे निकाल देंगे। ती दाना भूनते हैं थोड़ा सा तड़तड़ होने तक, इसे भून लेना है हमें। तड़तड़ हो गया, इसमें डालेंगे काली मिर्च और ये सौंफ। इसकी खुशबू आए तब तक इसे भुनना है हमें मस्त, एरोमा आने तक। ये भी भून गया है, इसे भी हम निकाल देंगे। सारी चीज़ें मैंने भून ली है, चावल और ये बाकी की धान भी भून लिए। अभी हम सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे और चीज़ें हम मिलाएंगे और इसे ठंडा होने के बाद चक्की में पीस करके लाना है और थोड़ा सा मीडियम भूनना उन्हें पीसने के लिए। जैसे हम भाकरी के लिए चावल की रोटी या जवारी की रोटी बनाते हैं उसके लिए आटा लाते हैं चक्की से, वैसे ही हमें बोल के ऐसा आटा हमें पीसवाना है। सारी चीज़ें मिक्स करके ये 2 केजी का बन जाएगा आटा। बाद में आपको चक्की से लाने के बाद आपको बताऊंगी कि आटा कैसे बना, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे हम वड़ा बनाएंगे स्वादिष्ट वाला। इसे मैंने पीस के लाया है, 2 केजी का आटा बन गया है अपना। तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के कभी भी जी चाहे तभी वड़ा बना सकते हो, भाजने के वड़े, और नहीं तो थाली पेट भी बन जाता है। 5 से 6 महीने तक ये अच्छी तरह स्टोर करके रख सकते हो, अच्छा रहता है आटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे वड़ा बनाएंगे।